धर्मो रक्षति रक्षता धर्म एव हतो हमति। ए पारत, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर मैंने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म हमें बिखेर डालेगा, इसलिए युद्ध करिए। गीता उपदेश अर्जुन को भगवान ने जब किया तब पारथ जी युद्ध करने के लिए हामी भरते हैं। फिर आगे बढ़ी भगवान पारथ को लेकर, क्या देखा है कि कुरुक्षेत्र के बीचों बीच मैदान में एक 16 साल का एक बालक खड़ा है। भगवान बोले लल्ला बीच में काय खड़ो है, अगर उधर से युद्ध कर भी आओ तो उधर जा और इधर से कर भी आओ तो इधर जा, बीच में क्यों खड़ो है? बालक बोलो क्या बताए प्रभु, एक राज है। बोले क्या? बालक बोला सुनो, दीन बंधु भगवान करम जेई एरो अनानो, शुरू कर देना। भगवान हंस के बोले लला, बोले हाँ तेरी खेलवे कूदवे की उम्र है, काहे को बावरो है वो? एक बात बता। बोले क्या? तू है कौन? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरे पिता का? तो बालक क्या बोला सुनो, ए भीमसेन को Thank you.
कटोच कच्छ का बेटा हूँ, कटोच कच्छ का बेटा। बोले हाँ, और सुनो, ए मोरवी माता हमारी है, ए मोरवी माता हमारी है, मेरो बरबरी कहे नाम बताई रो साखा सारी है, मेरो बरबरी कहे नाम बताई रो। पिता का नाम घटोत्कच है, मेरी माँ का नाम मौरवी देवी है, बाबा का नाम भीमसेन है। भगवान कन्हैया लंबी लंबी सांसें भरने लगे। भगवान हंस के बोले, लल्ला एक बात बता। बोले हाँ। आज से पहले कभी और धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चलावे आए? बालक कहने लगा, अगर आपको कोई संशय है तो अंजवा कर देख लो। भगवान सोचने लगे, वाह ये तो अंजमाने की बात कर रहा है। भगवान बोले, एक काम करो। बोले क्या? एक बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाओ, लाल रंग का निशान लगाओ, और वो बाण धनुष पर रख कर के छोड़ो। एक ही बाण, जितनी सेना है, जितने हाथी घोड़ा है, जितने भी सेना है, सभी के सीने पर एक ही बाण से लाल रंग का निशान लगा के दिखा दो। बर्बरीक बोला, ठीक है, रुक जाइए, बाण निकालो, लाल रंग को निशान लगाओ, धनुष पे बाण रख के बाण छोड़ो, एक ही बाण जाकर के सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर लौटा। भगवान के पैरन के तले धरती खिसक गई। भगवान कहने लगे, अभी संशय दूर नहीं है, अभी और चलिए थोड़ा। भगवान बालक को लेकर के पीपल के वृक्ष के पास गए। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान ने खड़ा कर लिया। भगवान बोले, एक ही बाण में पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिखा दो, चाहे वो पत्ता पेड़ पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, सारे पत्ते एक ही बाण से छिद जाए। बालक मुस्कुरा कर बोला, ठीक है। और जैसे ही बालक ने बाण निकाला और बाण निकाल कर जैसे ही मस्तिष्क से रखकर नेत्र बंद करके ध्यान किया, भगवान को मौका मिलेगा, पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के नीचे तलवा के नीचे दबा। बालक ने बाण छोड़ा, एक ही बाण जाकर के पीपल के सारे पत्तों को छेद देता है और अंत में वही बाण आकर के भगवान के तलवे से टकरा गया। बरबरी कहने लगे, प्रभु अपना पैर हटा लो, वरना ये बाण आपके तलवे को चीरता हुआ पार निकलेगा। भगवान ने एकदम घबरा करके पैर हटाया, जो तो गड़बड़ है। भगवान सोचने लगे, कौरव पांडवों का युद्ध चलना चाहिए 18 दिन, लेकिन इस बच्चे के हिसाब से तो जो 18 मिनट को युद्ध नहीं है, इस बालक के हिसाब से तो 18 मिनट का भी युद्ध नहीं है, अब क्या करें? भगवान सोचने लगे, ये निश्चय है कि अगर मैं पांडवों के पक्ष में है तो मेरे पांडव हार नहीं सकते, और पांडव जब हारेंगे तो जो तो कौरवन की सहायता करेगा तो सब गड़बड़ है। भगवान सोचने लगे, पांडवों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भगवान हंसकर के बोले, वत्स मैंने ये सुना है कि जो बाणाधारी होता है वो दानधारी भी होता है, वो दानी भी बहुत बड़ा होता है। बालक मुस्कुरा करके बोला, अगर संशय है तो मांग लो, क्या मांगना है। और जैसे ये कहा मांग लो, तो भगवान क्या बोले,
रण भूमि के बीच में मांगी रही जगदीश, दान करी रण मध्य में मोई दे दे अपना शीश। भगवान बोले अगर दे सकता है तो अपना शीश काट कर हमें दान में दे दे। बर्बरीक ने देर नहीं की, तलवार निकाली और अपना सर से धड़ सर अलग करके और सर लेकर के प्यारे भगवान के हाथों में दे दिया। और जब हाथों में देने लगा कटा हुआ सर बर्बरी अपना ही सर भगवान को देने लगा प्यारे, तो वो कटा हुआ सर भगवान से कुछ कह रहा है, कटा हुआ सिर भगवान से कुछ कह रहा है प्यारे। क्या कह रहा है सुनिएगा। मेरी बनी की बिगाड़ी दीना मेरी, बनी की बिगाड़ी दीना, अरे मेरो शीश दान युद्ध को 7 दिन वो 18 दिन के युद्ध को देखूं। भगवान कहने लगे अभी कुछ नहीं हुआ है,